हेलो दोस्तों, क्या आप भी अंडर 10,000 रुपीज में एक बेस्ट फोन परचेस करना चाहते हैं? तो आपके लिए एकदम सही टाइम है अभी परचेस करने के लिए। क्या दोस्तों, अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे सेल चालू होने वाले हैं, तो आप इसमें परचेस कर सकते हैं। और मैंने आप सभी के लिए टॉप 5 बेस्ट फोन सिलेक्ट किए हैं, जिसमें आपको 5G फोन तक भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एक बेस्ट कैमरा फोन या बेस्ट गेमिंग फोन या बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं, तो सारे कैटेगरी के हिसाब से मैंने यहाँ पे सारे फोन को सिलेक्ट किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंडर 8,000, 9,000, 7,000 रुपीज में कौन से बेस्ट स्मार्ट फोन देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जितने भी फोन बता रहा हूँ, इन सारे फोन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन है जो आज की इस लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो 5वें नंबर पे स्मार्टफोन आता है, आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बिग बैटरी के साथ में बेस्ट कैमरा फोन लेना चाहते हैं, तब आप इसको ले सकते हैं, और ये रियलमी नार्जो 50A। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपको 6.5 इंच की HD+IPS LCD डिस्प्ले, जिसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो G85 प्रोसेसर, रियलमी UI 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर्टेक्स A75 CPU, माली G52 MC2 GPU, 6000 mAh की एक बिग बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 8MP सेल्फी, और इसके रियर और फ्रंट कैमरे से 1080p पे 30fps तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम और डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ में आपको 4GB 64GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है, आपको 9,999 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपको 6000 mAh की एक बिग बैटरी दी गई है, और जो कैमरा दिया गया है वो भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। हालांकि जो फ्रंट कैमरा है आपको 8MP का ही दिया गया है, और उसी के साथ में जो डिस्प्ले दी गई है वो आपको HD+ ही देखने को मिलता है। यहाँ पे दो मेजर कॉन देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है, जो कैमरा दिया गया है, जो बैटरी दी गई है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक रियलमी की तरफ से फोन लेना चाहते हैं, तब आप इसको ले सकते हैं, ये भी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिस्ट में जो 4th नंबर पे स्मार्टफोन आता है, आपको वीवो की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट गेमिंग फोन लेना चाहते हैं, जिसमें कैमरा भी बढ़िया देखने को मिल जाए, डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिल जाए, तब आप इसको ले सकते हैं, और ये Vivo T1X। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको 6.58 इंच की फुल HD+90Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 680 4G प्रोसेसर, Core 265 Gold CPU, Adreno 610 GPU, 5000 mAh की एक बिग बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 8MP सेल्फी, और इसके रियर और फ्रंट कैमरे से 1080p पे 30fps तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं, और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम और डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ में आपको 4GB 64GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है, आपको 11,499 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो डिस्प्ले दिया गया है, आपको उसमें 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया गया है, उससे आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी लैग वगैरह मिलेगा, परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल जाएगा इस प्राइस रेंज के। और उसी के साथ में इसमें आपको जो कैमरा दिया गया है, जो बैटरी बैकअप दिया गया है, ये सारी चीजें भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी जो प्राइस है आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इस पे बैंक ऑफर्स को अप्लाई करेंगे तो आपको 10,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, और उस प्राइस रेंज पे ये भी आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिस्ट में जो 3rd नंबर पे स्मार्टफोन आता है, आपको Xiaomi की तरफ से देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपको जो कैमरा दिया गया है, जो डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो बैटरी बैकअप दिया गया है, जो प्रोसेसर दिया गया है, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, और ये Redmi 10 Prime। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD+90Hz रिफ्रेश रेट वाली LCD डिस्प्ले, जिसमें आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर, MIUI 12.5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, Cortex A75 CPU, माली G52 MC2 GPU, 6000 mAh की एक बिग बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, 50MP क्वाड कैमरा सेटअप, 8MP सेल्फी, और इसके रियर कैमरे से और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। इसमें को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम और डेडिकेटेड सिम स्लॉट, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आपको 4GB 64GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, आपको 9,999 रुपीज का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें भी आपको जो डिस्प्ले दिया गया है, बहुत ही बढ़िया दिया गया है, जिसमें 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और जो प्रोसेसर दिया गया है इस फोन में, उससे भी आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। लेकिन इस फोन में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 6000 mAh की एक बिग बैटरी दी गई है, और उसी के साथ में जो कैमरा दिया गया है वो भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 8MP अल्ट्रा वाइड के साथ में कैमरा भी बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। और बात करें दोस्तों, इस फोन में जितने भी फीचर दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन लेना चाहते हैं, तब आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया भी देखने को मिल जाता है Xiaomi की तरफ से।
तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है आपको मोटोरोला की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस भी जबरदस्त देखने को मिल जाए, डिस्प्ले भी अच्छा देखने को मिल जाए, बाकी फीचर भी बढ़िया देखने को मिल जाए, तब आप इसको ले सकते हैं। और फोन है मोटोरोला G32। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस 90Hz वाली IPS LCD डिस्प्ले, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 680 4G प्रोसेसर, स्टॉक Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, Core 265 CPU, Adreno 610 GPU, 5000mAh की 1 GB बैटरी, 30W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी। इसके रियर और फ्रंट कैमरे से 1080p पे 30fps तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम, और इसी साथ में इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट, डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाटर रिप्लेन डिजाइन के साथ में आपको 4GB 64GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है आपको 10,999 का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया गया है उससे आपको बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। और उसी के साथ में जो कैमरा दिया गया है, चाहे इसके रियर कैमरे की बात करें चाहे फ्रंट कैमरे की, दोनों ही बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और इस फोन की सबसे अच्छी चीज है कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है, जिससे इसमें आपको कोई भी ब्लॉटवेयर या एड वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ये चीज यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाता है। इस प्राइसिंग पे दोस्तों इसमें आपको जितने भी फीचर देखने को मिलते हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक स्मार्टफोन आता है आपको पोको की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अंडर 10,000 rupees में एक 5G फोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं। इसमें भी आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं सब एकदम जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। और ये पोको M4 5G। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.58 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर, कोर्टेक्स A76 CPU, Mali G57 MC2 GPU, LPDDR4X M2.2 का स्टोरेज, 5000mAh की 1 GB बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, 50MP डुअल रियर कैमरा, 8MP सेल्फी। और इसके रियर और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम, और उसी के साथ में इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट और स्लैश रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ में आपको 4GB 64GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है आपको 10,999 rupees का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इस फोन में सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया दिया गया है, जिससे आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं और 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ में जो डिस्प्ले दिया गया है, जो कैमरा दिया गया है और जो बैटरी बैकअप, ये सारी चीजें भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस फोन की जो प्राइस है वो आपको 11,000 rupees में देखने को मिलता है, लेकिन इस पे आपको इंस्टेंट 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस पे बैंक ऑफर्स को अप्लाई करेंगे तो ये आपको अंडर 10,000 rupees में देखने को मिल जाएगा। उस प्राइस रेंज पे आपको एक बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिलता है अगर आप एक 5G फोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 rupees। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।